हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल बायो फॉर यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बड़े मन से कर रहे होंगे, है ना? जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। न्यूरॉन का फुल स्ट्रक्चर, एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके उसको फाइनल स्टडी किया था और देखा था कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फर्दर पाए जाते हैं। ओके, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे किया गया है और इनको फर्दर कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, इन सब की स्टडी करेंगे आज हम लोग आज के इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर्स हमने न्यूरॉन को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। न्यूरॉन को क्लासिफाई करने के लिए हमने थ्री पैरामीटर्स लिया हुआ है। उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है, दिस इज द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ओके, दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन सीथ। ठीक है, यानी कि किस न्यूरॉन पे माइलिन सीथ प्रेजेंट है और किस न्यूरॉन पे माइलिन सीथ प्रेजेंट नहीं है, इस बेसिस पे हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है न्यूरॉन्स को। इसके अलावे इनके फंक्शन के आधार पे, यानी कि हमने एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन को हमने फर्दर तीन पैरामीटर्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया हुआ है। पहला जो पैरामीटर है, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। दूसरा है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन सीथ, और तीसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अगर बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन? यानी कहने का मतलब कि सारे न्यूरॉन्स एक सेम स्ट्रक्चर को बियर नहीं करते हैं, सेम तरह के नहीं होते, यानी उनका समथिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। किसी में सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, कोई न्यूरॉन ऐसा होता है जिसमें सिर्फ डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इन आधार पे, यानी स्ट्रक्चर्स में डिसिमिलरिटी के आधार पे, सिमिलरिटी के आधार पे हम जो फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हमने रखा है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में। देन आते हैं, जो हमने सेकेंड पैरामीटर लिया है वो लिया है माइलिन सीथ, यानी कि कुछ न्यूरॉन्स पे माइलिन सीथ प्रेजेंट होता है और कुछ न्यूरॉन्स पे माइलिन सीथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिस पे माइलिन सीथ प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं और जिस पे एब्सेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है सेकेंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स में। ओके, जो थर्ड बेसिस हमने लिया है क्लासिफिकेशन का, न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन के लिए जो थर्ड बेस हमने लिया है, दैट इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके, यानी कि हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उनका क्या रोल, वो न्यूरॉन्स किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्या सारे न्यूरॉन्स सेम टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो सिर्फ एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करें। ओके, तो जो भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो फंक्शन के आधार पर कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं, इसको हम रखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंडर में। ओके, तो आइए अब हम फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं न्यूरॉन को क्लासिफाई करने के लिए। ओके, तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्या है, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर टू क्लासिफाई न्यूरॉन, न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करने का ये फर्स्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इस आधार पे, यानी कि जो सेल बॉडी होता है, उस सेल बॉडी से जो डिफरेंट प्रोसेसेस निकले होते हैं, यानी जो डिफरेंट एक्सटेंशंस निकला होता है, यानी जो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन हुआ रहता है, तो उसी के आधार पे हम यहाँ पे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस आधार पे कि ये न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर के आधार पे फाइव टाइप्स के होते हैं। ओके, फाइव टाइप्स में पहला क्या है, तो पहला है अ पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, दूसरा है यूनि पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन, तीसरा जो है ये है बाई पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन,
और तीसरा जो है ये है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, और चौथा सॉरी पांचवा जो है ये है मल्टी पोलर न्यूरॉन। ओके, अब बात करें कि ये जो अपोलर होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो अ से आपको पता चलेगा कि अ का मतलब है एब्सेंट। ठीक है, तो क्या एब्सेंट होता है, तो इसमें एक्सॉन्स एब्सेंट होते हैं, डेंड्राइट्स भी एब्सेंट होते हैं, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है मेनली देखा जाए तो इससे सिर्फ और सिर्फ ऐसे होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी प्रेजेंट होता है इसमें, ना तो डेंड्राइट्स होता है ना ही एक्सॉन होता है। ओके, और जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं ना, ये जो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स को हम प्रोसेसेस बोलते हैं सेल बॉडी का। ठीक है, दे आर प्रोसेसेस ऑफ सेल बॉडी, इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, दे आर प्रोसेसेस ऑफ सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से जो एक्सटेंडेड पार्ट निकला होता है वो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं और एक्सॉन्स बोलते हैं। यानी कभी पूछ सकता है कि डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, तो इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है ये होता है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से ही ओरिजिनेट होते हैं। ये जो अपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं मेनली, तो ये मेनली पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स में, सिलेंट्रेटा फाइलम जो होता है इनवर्टिब्रेट्स का, ये उसी में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो अपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, और सिर्फ सेल बॉडी ही प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी दोनों ही प्रोसेसेस, दोनों ही एक्सटेंडेड पार्ट जो हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोसेसेस के प्रेजेंस, एक्सटेंशन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे ही हमने यहाँ न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया हुआ है, और इसी के आधार पे तो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ओके, इसीलिए मेनली हम यहाँ पे इन, चूंकि ये दोनों ही प्रोसेसेस या इनको एक्सटेंशन बोल लीजिए या एक्सटेंडेड पार्ट बोल लीजिए, ये दोनों एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हमने इस तरह के न्यूरॉन्स को नाम दिया है अपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब आते हैं यूनिपोलर में, यानी यूनिपोलर का क्या मतलब है, यूनिपोलर का मतलब होता है कि इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होगा और एक्सॉन प्रेजेंट होगा, यानी यूनि मीन्स क्या होता है वन, यानी एक एक्सटेंशन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन प्रेजेंट है, एक प्रोसेस प्रेजेंट है, दूसरा प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है, एक्सॉन प्रेजेंट होता है और सेल बॉडी होता है ना, सेल बॉडी से सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन निकला होता है वो होता है एक्सॉन, दूसरा एक्सटेंशन जो डेंड्राइट्स होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी कि अगर कहें तो सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, एक्सॉन भी प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स एब्सेंट है, ये जो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओके, एंड एक तो यहाँ पाया जाता है वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, दूसरा जो फिफ्थ क्रैनियल नर्व्स होता है ना, फिफ्थ क्रैनियल नर्व्स इन एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, यानी कि जो यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वर्टिब्रेट्स के उस स्टेज में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनली यूनिपोलर स्टेज में होते हैं। ओके, यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो फिफ्थ क्रैनियल नर्व्स होता है, जो मैंने आप लोगों को क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था, तो जो फिफ्थ नंबर का क्रैनियल नर्व्स होता है वो किस तरह का होता है, तो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आते हैं बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन में। ओके, ये देखते हैं ये न्यूरॉन किस तरह का होता है, तो ये जो न्यूरॉन होता है ना
ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। बाई का मतलब है कि दो, दो क्या प्रेजेंट है, दो प्रोसेसेस प्रेजेंट है, यानी दो प्रोसेसेस बोले तो वन एक्सॉन प्लस वन डेंड्राइट, यानी एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट दोनों मिलके दो प्रोसेसेस हो गए। ये दोनों प्रोसेसेस इस तरह के न्यूरॉन्स में, बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन में दो प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने इस तरह के न्यूरॉन्स को नाम दिया हुआ है बाइपोलर। यानी कि इसमें देखा जाए तो डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो डेंड्राइट्स है किस तरह का है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, ये अनब्रांच्ड टाइप का डेंड्राइट्स होता है, जस्ट लाइक एक्सॉन। जिस तरह एक्सॉन सिंगल है उसी तरह ये डेंड्राइट भी सिंगल होता है, ये ब्रांच्ड नहीं होता है। ये क्या है, एक्सॉन है, और ये क्या है, सेल बॉडी है। ओके, यानी अगर कहें तो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन में देखा जाए तो सेल बॉडी प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट है और एक्सॉन भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है वो जस्ट लाइक एक्सॉन होता है, एक्सॉन की तरह वो सिंगल होता है, ये ब्रांच्ड नहीं होता है। जो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वर्टिब्रेट्स के आईज में, जो रेटिना होता है उससे कनेक्टेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, वो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। साथ ही जो हमारे इनर ईयर में जिस तरह जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन का जो ओल्फैक्ट्री रीजन है उसमें भी यही न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्रेन का जो ओल्फैक्ट्री रीजन होता है वो क्या करता है, जो नेजल चैम्बर में स्मेल का सेंसेशन होता है ना, जो अगर कुछ चीज़ महकती है तो वो हमें कैसे पता चलता है, उस स्मेल के सेंसेशन को जेनरेट करने का काम करता है ये ओल्फैक्ट्री रीजन। ये कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो जो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये हमारे आँखों के रेटिना में पाया जाता है, इनर ईयर में पाया जाता है, और ब्रेन के जो ओल्फैक्ट्री रीजन है उसमें पाया जाता है। ओके, अब आते हैं स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके नेम से ही टाइप ऑफ न्यूरॉन का जो नाम है, न्यूरॉन्स जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं इनके नेम से ही इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। या अगर यहाँ पे हमने कहा स्यूडो यूनिपोलर तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ स्यूडो का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्यूडो, स्यूडो का क्या मतलब होता है। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, झूठा, यानी ठीक है, यानी एक तरह से ये यूनि वास्तव में ये जो न्यूरॉन्स हैं यो यूनिपोलैरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये यूनिपोलर नहीं है, लेकिन अपने आप को ये शो करता है कि मैं यूनिपोलर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब क्या है, तो आखिर ये होता कैसा है कि अपने आप को यूनिपोलर रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो यूनिपोलर है नहीं। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या होता है कि सेल बॉडी से सबसे पहले एक एक्सॉन डेवलप होता है, लेकिन बाद में वही एक्सॉन आगे चल के डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन कर देता है। यानी ये जो स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो एक सेल बॉडी प्रेजेंट होता है और एक एक्सॉन डेवलप हुआ रहता है। सेल बॉडी से सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन हुआ रहता है, एक्सॉन का, लेकिन आगे चल के बाद में धीरे धीरे उसी एक्सॉन से एक और ब्रांच निकल जाता है और वो एक्सॉन की तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, वो फंक्शन परफॉर्म करता है डेंड्राइट्स की तरह, यानी स्टिमुलस को रिसीव करने का, स्टिमुलस को कैरी करके लाने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्यूडो यूनिपोलर नाम देते हैं कि भले ही ये एक्सॉन है, सिंगल एक्सॉन ही डेवलप हुआ है सेल बॉडी से, लेकिन वो आगे चल के क्या हो गया है, वो दो हो गया है, सिंगल नहीं रह गया। यूनि का मतलब कि सिंगल, तो वो सिंगल नहीं है, अब वो क्या हो गया है, दो हो गया है, यानी एक एक्सॉन हो गया है, एक डेंड्राइट्स हो गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं स्यूडो यूनिपोलर। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या प्रेजेंट है, इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सॉन भी प्रेजेंट है, लेटर ऑन डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, तो
स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल रूट गैंग्लिया है वहां पे स्यूडो यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है। ओके, अब लास्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी लास्ट में तो भले ही है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, अब इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो लास्ट क्लास में हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो समवॉट ऐसा ही था, है ना, यानी कि इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं, एक सेल बॉडी है और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स, 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 यानी मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। साथ ही ये एक सेल बॉडी प्रेजेंट है, ये जो है एक एक्सॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये है आपका मल्टीपोलर एक्सॉन, सॉरी मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली यही न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अप्रॉक्स 90% जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इसको मैं अब थोड़ा सा ना ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओके, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने न्यूरॉन को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है अपोलर, दूसरा है यूनिपोलर, तीसरा है बाइपोलर, चौथा है स्यूडो यूनिपोलर और पांचवा है मल्टीपोलर। तो जो अपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ये न्यूरॉन पाया जाता है सिलेंट्रेटा फाइलम में। देन यूनिपोलर, यूनिपोलर में एक सेल बॉडी प्रेजेंट होता है और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, इसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो एडल्ट ह्यूमन में जो 5th cranial नर्व्स हैं वो भी यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब बाई मीन्स दो, यानी यहाँ पे दो प्रोसेसेस प्रेजेंट है, दो एक्सटेंशन प्रेजेंट है, यानी कि जो सेल बॉडी है उससे दो एक्सटेंशन का ओरिजिनेशन हुआ है, एक डेंड्राइट्स है और एक एक्सॉन्स है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सेल बॉडी भी प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट है और एक्सॉन्स भी प्रेजेंट है। लेकिन जिस तरह एक्सॉन सिंगल है उसी तरह डेंड्राइट्स भी सिंगल है, जिस तरह एक्सॉन में कोई ब्रांचिंग नहीं है उसी तरह यहाँ डेंड्राइट्स में भी कोई ब्रांचिंग नहीं होता है। ठीक है, तो विदाउट एनी ब्रांच यहाँ पे सिंगल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है और सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट होता है और एक सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। ये किस तरह के न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं? तो बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूरॉन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो हमारे आइज के रेटिनल एरिया में, यानी रेटिना में पाया जाता है। जो इनर ईयर होता है, अंदर का जो कान वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है, उसमें जो न्यूरॉन्स उससे कनेक्टेड है वो न्यूरॉन्स किस तरह के हैं? तो बाइपोलर टाइप के हैं। उसके अलावा जो हमारे ब्रेन में ऑल्फैक्टरी रीजन है जो स्मेल के सेंसेशन को जनरेट करता है वो भी इसी तरह बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को कैरी करता है। ठीक है, अब आते हैं स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी स्यूडो मीन्स झूठा, फाल्स, यानी एक सेल बॉडी प्रेजेंट होता है और इससे एक एक्सॉन का ओरिजिनेशन होता है। लेकिन क्योंकि सेल बॉडी से तो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन का ओरिजिनेशन हुआ है इसीलिए हम यहाँ पे ये नाम दे रहा है स्यूडो यूनिपोलर, क्योंकि पहले तो ये यूनिपोलर है लेकिन बाद में वो एक्सॉन फर्दर क्या हो गया है? ब्रांच्ड हो गया है, उसमें से एक ब्रांचिंग निकल आई है और वो जो ब्रांचिंग निकला है, वो जो ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ है, वो ब्रांच एक्सॉन की तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो डेंड्राइट्स की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए हमने उसको फर्दर नाम क्या दे दिया? डेंड्राइट्स। यानी स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन और सेल बॉडी प्रेजेंट था लेकिन बाद में डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट हो गया। ये जो इस तरह स्यूडो यूनिपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल रूट गैंग्लिया है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब आते हैं मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन में। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसमें जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो ये इसमें जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, यानी सिंगल नंबर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कई सारे होते हैं और ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, इसमें से बहुत सारे ब्रांच निकले होते हैं, यानी हाईली ब्रांच्ड मल्टीपल डेंड्राइट्स हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है? तो एक सेल बॉडी प्रेजेंट होता है और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है,
और ये पाया कहाँ जाता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो मल्टीपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। आज के लिए इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू, दैट्स ऑल। और एक रिक्वेस्ट कि अगर मेरा टीचिंग मोड आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और अपने नियर वंस को वीडियो शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।